जामिया मिलिया इस्लामिया। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स जामिया मिलिया इस्लामिया की जो कॉलेज है उस कॉलेज के बारे में बात करेंगे, वहाँ के कोर्सेज, वहाँ की फैसिलिटी, वहाँ की फैकल्टी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे वहाँ का फाइन आर्ट्स में क्या खासियत है। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जामिया मिलिया इस्लामिया की बात कर लेते हैं जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स को बाद में भी हम देख लेंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया की अगर बात करें तो इसका एस्टेब्लिश ईयर 1920। फैकल्टी और डिपार्टमेंट्स की अगर बात करें यहाँ पे तो लगभग 9 फैकल्टीज़ हैं, और डिपार्टमेंट्स की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 39 डिपार्टमेंट्स हैं टोटल। और वहीं अगर इसके फॉर्म रिलीज की बात करें तो फॉर्म रिलीज यहाँ पे फरवरी और मार्च के बीच में होता है। एडमिशन प्रोसेस एंट्रेंस बेस्ड पे होता है। फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे हॉस्टल, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, फील्ड्स, ऑडिटोरियम वगैरह आपको फील्ड देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक संपन्न यूनिवर्सिटी में जो भी फैसिलिटीज होना चाहिए वो सभी फैसिलिटीज आपको इस यूनिवर्सिटी में देखने को मिल जाएंगे। लोकेशन साउथ ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, इंडिया। सो दोस्तों, ये रहा जामिया मिलिया इस्लामिया का एक छोटा सा डिटेल्स। अब आइए दोस्तों यहाँ के फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स के बारे में बात करते हैं। फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स JMI। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के एंट्रेंस और फॉर्म रिलीज की अगर बात करें तो यहाँ का फॉर्म रिलीज जो होता है वो फरवरी और मार्च के बीच में होता है। एडमिशन प्रोसेस एंट्रेंस बेस्ड पे होता है। एग्जाम पेपर लैंग्वेज, जो आपका पेपर जो एग्जाम में प्रोवाइड किया जाएगा थ्योरी का, वो टोटल इंग्लिश में होगा। हॉस्टल यहाँ पे अवेलेबल है लेकिन अभी के लिए शायद अलाउ नहीं कर पाएंगे वो आपको। और लोकेशन की बात करें तो साउथ ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, इंडिया। यहाँ के अगर डिपार्टमेंट्स की बात करें तो टोटल यहाँ पे 6 डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अप्लाइड आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्ट एजुकेशन, ग्राफिक आर्ट या प्रिंट मेकिंग, आर्ट हिस्ट्री एंड अप्रिसिएशन, ये टोटल 6 डिपार्टमेंट्स आपको यहाँ पे फाइन आर्ट्स के लिए प्रोवाइडेड अवेलेबल आपको मिल जाते हैं। अब आगे दोस्तों हम यहाँ के फाइन आर्ट्स कोर्सेज, उसके एंट्रेंस एग्जाम, वहाँ के सीट्स और एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें इसी तरह की ड्राइंग और फाइन आर्ट्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, जो कि अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है, ये यहाँ पे अवेलेबल है। इसका ड्यूरेशन टोटल 4 साल का है। यहाँ पे सीट्स की बात करें तो वो टोटल 80 सीट्स है। फर्स्ट ईयर आपको फाउंडेशन कोर्स कराया जाता है। फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत आपको सभी स्ट्रीम के सभी कोर्सेज को आपको पढ़ाया जाता है, जैसे कि अप्लाइड आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्ट एजुकेशन, ग्राफिक आर्ट या प्रिंट मेकिंग, आर्ट हिस्ट्री एंड अप्रिसिएशन। सो दोस्तों, फर्स्ट ईयर में आपको ये सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। वहीं अगर सेकेंड ईयर से फोर्थ ईयर तक की बात करें तो उसमें जो आपका सबसे जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट होगा, जो आप इंट्रेंस के टाइम चूज किए होंगे, उस स्पेशल सब्जेक्ट से आप सेकेंड ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक पढ़ेंगे। यानी कि 1 साल का आपका फाउंडेशन कोर्स, बाकी बचा 3 साल स्पेशलाइजेशन कोर्स जो आपका होगा उस स्पेशल कोर्स के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, अगर इस अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग सीट्स की बात करें तो यहाँ पे अप्लाइड आर्ट के लिए 30, पेंटिंग के लिए 20, स्कल्पचर के लिए 10 और आर्ट एजुकेशन के लिए 20 सीट्स BFA के लिए अवेलेबल। बात करें दोस्तों यहाँ के BFA एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न की, तो दोस्तों यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपको 3 पेपर देना होगा। पहला आपको थ्योरी का पेपर देना होगा जो कि 40 मिनट का होगा और 40 मार्क्स का होगा। इसमें आपको इंडियन और वेस्टर्न की जो आर्ट हिस्ट्री है उसको पढ़ना होगा, साथ ही साथ फेमस आर्टिस्ट और उनकी पेंटिंग्स के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना होगा। वहीं बात करें दूसरे पेपर की, तो दूसरा लाइफ स्टडी का ड्राइंग है, जिसमें आपको टोटल 60 मिनट का टाइम मिलेगा। ये 30 मार्क्स का होगा। मॉडल आपको वहीं एग्जाम सेंटर पे प्रोवाइडेड होगा, वहाँ पे आपको देख के बनाना होगा। और बात करें कॉम्पोजिशन की, तो उसमें आपको 19 मिनट का टाइम मिलेगा। 30 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन पेपर होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर होगा। और इसमें आपको टॉपिक वहाँ के एंट्रेंस एग्जाम में प्रोवाइड किया जाएगा। 3 टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे, उसमें से एक टॉपिक के ऊपर आपको बनाना है। ये सभी स्ट्रीम, यानी कि आप जब पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट, स्कल्पचर, जो भी स्ट्रीम आप लेना चाहते हैं, उन सभी स्ट्रीम के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होगा। उसके लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिकल एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। सो दोस्तों, जामिया के BFA एंट्रेंस एग्जाम से लेके यहाँ के एडमिशन तक ये सभी प्रोसेस होंगे। और दोस्तों, किसी भी फाइन आर्ट्स के इंस्टीट्यूट या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स आपको चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी उसके लिंक्स दे दिए हैं, जैसे कि वहाँ के प्रैक्टिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो मटेरियल्स यूज होते हैं वो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। आप वहाँ से उसको परचेस करके किसी भी इंस्टीट्यूट कॉलेज के लिए फाइन आर्ट्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों, फाइन आर्ट्स के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए मैंने ऑलरेडी ढेर सारे वीडियोज बना दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। वहीं दोस्तों, बात करें यहाँ के अगले कोर्स की, जो कि MFA है, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है।
इसका ड्यूरेशन 2 साल का है। सीट्स यहाँ पे लगभग 52 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है एमएफए के लिए। सभी सीट्स सभी डिपार्टमेंट्स में अगर सीट को कंबाइन किया जाए तो अप्लाइड आर्ट के लिए 8 सीट्स, पेंटिंग के लिए 8 सीट्स, स्कल्पचर के लिए 10, आर्ट एजुकेशन के लिए 8, ग्राफिक आर्ट एंड प्रिंट मेकिंग के लिए 8, आर्ट हिस्ट्री एंड अप्रिसिएशन के लिए 10। टोटल यहाँ पे 52 सीट्स अवेलेबल है फाइन आर्ट्स एमएफए के लिए। और बात करें दोस्तों एमएफए के एंट्रेंस एग्जाम की, तो जो थ्योरी का एंट्रेंस एग्जाम होगा एमएफए के लिए, वो जो आप बीएफए में आर्ट हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें पढ़े रहेंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस एमएफए के थ्योरी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। बात करें यहाँ के अब प्रैक्टिकल एंट्रेंस एग्जाम की एमएफए के, तो उसमें अलग अलग स्ट्रीम के लिए अलग अलग कॉम्पोजिशन आपको करना होगा। शायद आपको 2 घंटे का टाइम उसमें ये कॉम्पोजिशन करने के लिए मिलेगा। सो दोस्तों ये रहा जामिया मिलिया इस्लामिया का फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स के जो कोर्सेज हैं, जो फाइन आर्ट्स है वहाँ का, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरह से ड्राइंग और फाइन आर्ट्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।